मैं कपिल कांसरमा एक बार पुनः आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ विद कपिल पर बहुत स्वागत करता हूं। दिल्ली पुलिस की वैकेंसी के लिए हुआ है ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी, लेकिन ये हुआ है केवल डिपार्टमेंट के लिए। तो डिपार्टमेंट के लिए जो हुआ है वो कल आपके सामने, मतलब आने वाले समय में आपके सामने ऑफिशियली आपके लिए भी आ जाएगा। लेकिन क्या क्या बदलाव हुए हैं इस जानकारी को आपको समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे एज में क्या बदलाव हुआ है वो भी हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सिलेबस में क्या बदलाव हुआ है वो भी हम इस वीडियो में आपके लिए बात करने वाले हैं। महिलाओं की हाइट क्या होगी, पुरुषों की हाइट क्या होगी, ये भी बिल्कुल इस वीडियो में आपको पता लग जाएगा। और साथ साथ DL कब का बना हुआ होना चाहिए ये भी पता लग जाएगा आपको। DL में भी कि लर्निंग चलेगा या लाइट चलेगा ये भी आपको जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। पूरी जानकारी मतलब इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें, स्किप करने की आपको आवश्यकता नहीं है। अगर स्किप करते हैं तो कहीं ना कहीं आप कोई ना कोई जानकारी कर देंगे मिस यहाँ से। तो आप इससे पहले चैनल कर दें भाई सब्सक्राइब, और वीडियो कर दें लाइक, और साथ साथ शेयर भी कर दें। चलिए देखते हैं ऑफिशियल जानकारी। देखिए भाई, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है 7/6/2019, मतलब कल की डेट में निकला हुआ है। स्टैंडिंग ऑर्डर नंबर 212/2019 के लिए ये इन्होंने जारी किया है। यहाँ पर पूरा नोटिफिकेशन आपके सामने है, ठीक है। किसके लिए? डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ कॉन्स्टेबल मेल एंड फीमेल इन दिल्ली पुलिस, मतलब मेल और फीमेल दिल्ली पुलिस के लिए ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप डायरेक्ट इसे डाउनलोड करके पूरे नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हैं। लेकिन जो मेन चीज़ है, जो चेंजेस आए हैं, वो बदलाव जो आए हैं वो देखने वाली बात है। क्या क्या मेन चीज़ है उसे देख लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले है जो मेन चीज़ है कि आपका एक तो CBT टेस्ट होना है, और साथ साथ होना है भाई आपका फिजिकल। CBT टेस्ट होना है 100 नंबर का, लेकिन जो फिजिकल है वो है केवल क्वालिफाइंग। क्या होगा फिजिकल में ये भी हम इस वीडियो में आपको बता देंगे। साथ साथ ये भी बता दिया जाएगा कि सिलेबस में क्या क्या चेंज हुआ है, क्या क्या सिलेबस की आपको तैयारी करनी है, और आपको जल्दी से जल्दी लग जाना है तैयारी में। क्योंकि यहाँ पर जो वैकेंसी आने की बिल्कुल उम्मीद है कि आपको कहीं ना कहीं जून के लास्ट में या जुलाई में आपको वैकेंसी मिल जानी चाहिए। जून के लास्ट में बहुत ज़्यादा चांस है। साथ साथ यहाँ पर वैकेंसी की जो संख्या हो सकती है 5,000 के आसपास कॉन्स्टेबल की दिल्ली पुलिस में वैकेंसी हो सकती है। अब बात करें यहाँ पर रिलैक्सेशन, आपको एज में क्या क्या रिलैक्सेशन मिलेगा, मतलब कोटा क्या होगा आपका, पहली बात इसकी कर लेते हैं। तो कोटे की अगर बात करें, SC के लिए 15%, ST के लिए 7.5% है, OBC के लिए 27% है, और एक नया जो कोटा जुड़ा है यह जुड़ा है EWS के लिए 10% का, मतलब आर्थिक रूप से कमज़ोर जो सामान्य वर्ग के कैंडिडेट हैं उनके लिए 10% का कोटा भी जुड़ा है। तो ये पहली बार आया है, क्योंकि ये अभी स्टार्ट हुआ है तो पहली बार ही इस बार इसमें एक तो ये बदलाव हुआ है जी। दूसरी बात, अगर यहाँ पर बात करें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन सभी को बताया भाई 10+2 मतलब 12वीं पास होना ज़रूरी है। केवल कुछ कंडीशंस में आप 11वीं पास चल सकते हैं, लेकिन वो सामान्यतः आपके लिए ज़रूरी नहीं है, वो बिल्कुल अलग है। इसे आप नोटिफिकेशन में आराम से पढ़ सकते हैं, जैसे एक्सर्विसमैन वगैरह के लिए ये चीज़ें होती हैं। लेकिन जनरल कैंडिडेट के लिए 12th पास होना ज़रूरी है। एज की बात करें, ये एक बहुत बड़ा बदलाव है एज के लिए। जहाँ अभी तक 18 से 22 साल एज चल रही थी जनरल की, वहाँ हो चुकी है भैया एज 18 से 25 वर्ष हो चुकी है जनरल की एज, ठीक है। यहाँ पर SC के लिए 5 साल का कोटा भी लगेगा, तो 30 साल तक SC का कैंडिडेट फार्म भर सकता है। और बात करी जाए OBC की, तो 3 साल के कोटे के साथ 28 साल के एज तक वो भी भर सकता है भैया यहाँ पर फॉर्म। तो जनरल की जो एज है 18 से 25 है, SC की एज यहाँ पर जो है आपकी हो जाएगी 30 साल, ST की जो एज हो जाएगी वो हो जाएगी 28 साल। इस तरह से सारा एज का बायोडाटा हो चुका है भाई। तो एज बहुत ज़रूरी थी, और काफ़ी दिन से इस पर चर्चा चल रही थी कि एज क्या होनी होगी या नहीं, ये तो ये क्लियर हो चुका है। अब आपकी एज जो है 18 से होनी है, कितनी भाई 25 साल जनरल के लिए। हाइट की बात करें, जनरल में जो हाइट है वो 170 सेंटीमीटर है। 170 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। 5% का रिलैक्सेशन मिलता है, लेकिन ये जो है फाड़ी लोगों को मिलता है, जो हिल्स एरिया के लोग हैं, और साथ साथ जो जम्मू कश्मीर वगैरह से, यहाँ पर आप पूरा डिटेल में ले सकते हैं। 5 सेंटीमीटर की जो छूट मिलती है वो कितनी मिलती है यहाँ पर आप बिल्कुल देख सकते हैं। यहाँ पर ST कैंडिडेट के लिए भी 165 सेंटीमीटर की हाइट चल जाएगी, क्योंकि सेकंड नंबर जो यहाँ इन्होंने दिया है ST के लिए 5 सेंटीमीटर का यहाँ पर एज में भी रिलैक्सेशन है। बात करी जाए चेस्ट की, तो चेस्ट यहाँ पर 81 से 85, मतलब केवल 4 सेंटीमीटर का फुलाव ज़रूरी है। नॉर्मली जो होता है 5 सेंटीमीटर का फुलाव, लेकिन यहाँ पर इन्होंने 4 सेंटीमीटर का फुलाव ही मांगा है। 4 सेंटीमीटर का अगर फुलाव है तो भी आपका काम चल जाएगा। बात करें फिजिकल की, फिजिकल
के लिए अगर यहाँ पर देखा जाए तो 6 मिनट में 1600 मीटर की दौड़ और 14 फीट लॉन्ग जंप और 3 फुट 9 इंच आपकी हाई जंप होनी चाहिए, ठीक है जी। 30 साल से कम एज वालों के लिए इन्होंने ये फिजिकल रखा और आपका जनरली यही फिजिकल होने वाला है। बाकी जो फिजिकल ये 30 से 40 और 40 से ऊपर वालों के लिए रखे गए हैं ये एक्सेस सर्विस वालों के लिए हैं। जैसे 30 से 40 के लिए 7 मिनट में है 1600 मीटर और जहाँ लॉन्ग जंप उनके लिए 13 फीट और हाई जंप 3.5 फीट है। वहीं जो है 40 साल से ऊपर वालों के लिए ये समय 8 मिनट कर दिया गया है 12 फीट की लॉन्ग जंप और 3.3 इंच की जो कर दी गई है भाई हाई जंप। तो लेकिन आपके लिए क्या है 1600 मीटर 6 मिनट और लॉन्ग जंप 14 फीट और हाई जंप 3 फुट 9 इंच मतलब 4.25 फुट, ठीक है जी। अब यहाँ पर जो है फिजिकल मेजरमेंट हो जाएगा और यहाँ पर देखिए क्या लिखा है इन्होंने फिजिकल मेजरमेंट के लिए। फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट शैल बी टेकन ओनली ऑफ दोज हु क्वालिफाइड द एंट्रेंस टेस्ट, मतलब यहाँ पर जो बच्चा पेपर पास करके आएगा उनका होना है यहाँ पर टेस्ट, ठीक है जी। अगर आगे बढ़ें यहाँ पर देखिए ये आ चुका है फीमेल के लिए, फीमेल के लिए आ चुका है तो क्वालिफिकेशन वही 10+2 है भाई, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एज बिल्कुल सेम 18 से 25, 5 साल का रिलेक्सेशन SC के लिए, OBC के लिए 3 साल का रिलेक्सेशन है, ये सारी चीज़ें सेम है लेकिन एज सभी की यहाँ पर बड़ी है 18 से 25 हुई है जनरल की, मतलब यहाँ पर कहीं ना कहीं सभी को इस चीज़ का फ़ायदा होने वाला है। अगर महिलाओं की हाइट की बात करी जाए तो 157 सेंटीमीटर यहाँ पर हाइट होगी और पहाड़ी क्षेत्र के लोगों के लिए 2 सेंटीमीटर की छूट और SC ST के लिए भी यहाँ पर 2 सेंटीमीटर की हाइट में भी छूट महिलाओं को भी है भाई, ठीक है जी। अगर बात करी जाए यहाँ पर फिजिकल की तो 1600 मीटर की दौड़ 9 मिनट में, 30 वर्ष से कम आयु के लिए 10 फीट की लॉन्ग जंप और 3 फीट की हाई जंप, 30 से 40 के लिए 9 मिनट 1600 मीटर 9 फीट लॉन्ग जंप और 2 फीट 9 इंच जो है हाई जंप, और साथ साथ 40 साल से ऊपर के लिए 10 मिनट का समय 1600 मीटर के लिए 8 फीट की लॉन्ग जंप और 2.5 फीट के जो है आपकी हाई जंप भी यहाँ पर ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं भाई, अगर देखा जाए तो यहाँ पर ये देखिए जी जो पॉइंट नंबर 11 है वो मेडिकल के लिए, मेडिकल के लिए फीमेल और मेल दोनों का ही होना है भैया मेडिकल के लिए, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका पहले जो है दोनों प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद, मतलब पेपर और फिजिकल से गुजरने के बाद आपका मेडिकल होना है, मेडिकल के बाद आपकी मेरिट बननी है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो अब मेन चीज़ है वो है भाई पेपर के लिए, पेपर के लिए चलते हैं हम। पॉइंट नंबर यहाँ पर 16 आ चुका है, देखिए 16 है कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन की अगर बात करें, यहाँ पर बहुत बड़ा चेंज है। पार्ट वन में रीजनिंग देखिए 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, लेकिन पहले थे 35 क्वेश्चन 35 नंबर के, तो यहाँ पर 10 नंबर कम हो गए हैं तुम्हारे रीजनिंग में, कम हो गए भाई। पहले 35 क्वेश्चन थे 35 नंबर के, अब 25 क्वेश्चन है 25 नंबर के। पार्ट बी में जनरल नॉलेज है, करंट अफेयर्स हैं और 50 क्वेश्चन ये सेम है। करंट अफेयर्स का पार्ट बड़ा है लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं पिछले एग्जाम में भी करंट अफेयर्स का पार्ट बड़ा हुआ था, इस बार भी जो है इन्होंने बिल्कुल क्लियर कर दिया अभी करंट अफेयर्स तो आनी आनी है। पार्ट सी की बात करें यहाँ पर जो आपका मैथ 15 नंबर का पहले से चलता आ रहा है वो भी वही बिल्कुल सेम है, 15 नंबर ही मिलने हैं आपको मैथ के, लेकिन पार्ट डी जो बड़ा है ये एक्स्ट्रा बढ़ गया भाई कंप्यूटर का। कंप्यूटर में आपको जो MS Excel, वर्ड, इंटरनेट, WW और वेब ब्राउजर के बारे में जानकारी होनी चाहिए। 10 क्वेश्चन 10 नंबर के यहाँ आने वाले हैं, तो आपको कहीं ना कहीं कंप्यूटर की जानकारी भी रखनी होगी। अब 10 नंबर अगर आपको बढ़ाने हैं तो कंप्यूटर को भी सीखना होगा, कंप्यूटर के तैयारी भी अपनी करनी होगी। इस तरह से ये पूरी जानकारी है। अगर कोई और अन्य जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं, साथ साथ ये जो है आपको डिटेल पूरी पूरी मिल जाएगी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से भी देख सकते हैं प्रक्रिया क्या है। पहले जो है आपका पेपर और जो फिजिकल, उसके बाद जो मेडिकल और लास्ट में क्या हो जाएगा भैया, लास्ट में आपकी फाइनल मेरिट बन जाएगी। इस तरह से पूरी प्रक्रिया हो जाएगी और ये पूरा का पूरा जो है ऑफिशियली नोटिफिकेशन है और ये चला हुआ है आपका 7 तारीख का। अभी तक के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो के लिए धन्यवाद।